अन अकेडमी पे फ्रेंड्स मैं कंप्लीट पेपर वन पढ़ाती हूँ एंड पेपर टू में कॉमर्स कराती हूँ सो so, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नौ क्लासेस कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा टेन परसेंट और अब ऑल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अन अकेडमी पे वन ईयर का भी और सभी सो एंटी नेट जे जेआरएफ एफ एग्जाम का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं इफ एनिक्वारी रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन सो so, आज तो हमारी बहुत सारी क्लासेस है मैं आके डिस्कस कर लूंगी आपके साथ ग्यारह बजे भी क्लास है पेपर वन में हमारा एक्सपेक्टेड एंसरक्यूज चल रहा है और आज हम करेंगे दो बजे प्लस क्लास में आईसीटी के ऊपर एक्सपेक्टेड एंसरक्यूज एंड पेपर टू कॉमर्स की भी क्रैश कोर्स अभी चल रहा है आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कोर्स भी आएगा डेफिनेटली पेपर वन का भी रिवीजन कोर्स आ रहा है जिनका अगस्त में पेपर है वो आप डेफिनेटली uh, सब्सक्रिप्शन में भी अपनी रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं टेलीग्राम पे नव क्लासेस सर्च करके फॉलो कीजिएगा सो so फ्रेंड्स अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू सॉल्व मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो आप ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको डेफिनेटली लीजिए और वैसे भी ये ट्रेंड कर रही है नंबर वन पे तो आप देख भी सकते हैं एमेजोन पे और फास्ट डिलीवरी ऑप्शन भी प्राइम में भी इसको अपलोड कर दिया है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए ठीक है so, सो सभी क्वेश्चन यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं इसके अंदर मेरे एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट योर जी आर एफ एंड हंड्रेड परसेंट टाइम मेरा रिकॉर्ड रहा है और हमेशा फिफ्टी uh, क्वेश्चन में से फोर्टी फाइव क्वेश्चन प्लस जो है uh, मेरे कंटेंट में से आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट इट एंड पेपर टू कॉमर्स की जो बुक है इस एक बुक के अंदर सभी कंसेप्ट पी वाई क्यूज एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एक ही में कवर हो जाएंगे तो इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं और अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपके सेवन यूनिट्स कवर हो रही है कॉमर्स के हैं तो ईच एंड एवरीथिंग पूरा फुल कवर हो रहा है बुक इंग्लिश मीडियम में है पेपर बैग इसके अंदर कोड होगा जिससे आप हिंदी मीडियम ई बुक अनलॉक कर पाएंगे ठीक है अगर आपको नहीं करना आएगा तो उसके अंदर ईमेल आईडी भी दी हुई है उससे मुझे ईमेल करके भी अनलॉक करवा सकते हैं कुडोज ई लर्निंग में हिंदी मीडियम ई बुक भी चल जाएगी एंड सम एक्स्ट्रा यू नो एम सी क्यूज ऑल्सो चली, और प्लस क्लास में मेरे नोट्स इंग्लिश हिंदी में दोनों मिल जाते हैं। आई कवर ईच एंड एवरी हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स एंड and परसेंट percentile इन पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स सो फ्रेंड्स आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बूस्टर सेशंस और स्पेशल क्लास फेस्टिवल है आज तो इसलिए अभी इस क्लास के बाद 11 बजे हम मिलेंगे कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज क्लास में ऊपर लिंक मैंने पिन कर दिया है उसी लिंक से आ जाइएगा इफ यू आर न्यू देन नाउ क्लासेस कोर्स से आप अनलॉक कर कर सकते हैं यस yes. देन 5 पीएम 6:15 एंड 10 पीएम तो ये आप ही के लिए स्पेशली निकाली है मैंने फ्री क्लासेस और अपनी प्रिपरेशन में महा एपिसोड्स की जो प्लेलिस्ट है पेपर वन की कॉमर्स की और ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वाले पीवाई क्यूज इनका बेनिफिट उठाइए तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एंशियंट हायर एजुकेशन का कंप्लीट क्लास आर यू रेडी वही सारे अपने अपने फ्रेंड्स को जल्दी से बुलाकर ले आओ बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्लास होने वाली है गुड मॉर्निंग

वैदिक एजुकेशन तो वैदिक पीरियड कब चला 2000 थाउजेंड तो बीसी से वन थाउजेंड बीसी तो वट इज द मीनिंग ऑफ बी सी बिफोर क्रिस्ट ठीक है जीजस क्रिस्ट के बर्थ से पहले इतने साल उससे पहले जो टाइम पीरियड है वो उल्टा चलता है ठीक है उपनिषद पीरियड या उपनिषद काल 1000 BC बीसी टू uh, 200 BC जो तकसीला है वो उपनिषद काल की है ठीक है देन धनास्टिक धनास्त्रिक एजुकेशन पीरियड 200 BC से चला 500 AD और जो नालंदा विक्रमशिला ये सब है ये आपके धनास अच्छा नहीं वो पौराणिक की है ठीक है अभी आएगा पुराणिक पौराणिक एजुकेशन 500 हंड्रेड एटी टू ट्वेल्व हंड्रेड एडी तक चला ठीक है तो अभी ये वाली बात आपको समझ में आ गई यस और जो नालंदा विक्रमशिला है वो पौराणिक पीरियड के हैं यस वो पौराणिक पीरियड के है बहुत कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जाम्स आर देर इन मंथ ऑफ अगस्त हाँ दोनों अगस्त में ही है इज दिस क्लियर टू एवरीवन सो तक्षिला उपनिषद से बिलोंग करती है पौराणिक से ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जितनी भी आई वो सब बिलोंग करती है ठीक है हाँ जी अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो वैदिक एजुकेशन थी वो जब छोटे बच्चे पाँच साल की उम्र के होते थे तब से स्टार्ट हो जाती थी फाइव एट द एज ऑफ फाइव ईयर्स ठीक है और जब बच्चे विद्या आरंभ करने जाते थे तो फिर उनकी एक सेरेमनी होती थी स्टार्ट करने के लिए जाते थे तो उसको बोलते थे विद्या आरंभ सेरेमनी दिस इंक्लूड की सरस्वती माता की वहां पर गॉडेस सरस्वती की वर्शिप किया जा किया जाता था ठीक है तो यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ मैं सबसे पहले सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट वैदिक एजुकेशन वैदिक एजुकेशन में जब पाँच साल की उम्र में बच्चा पढ़ने जाता था तो उसको बोलते थे विद्या आरंभ ठीक है फिर ये जो सेरेमनी है इसके बाद जब बच्चे अपना घर छोड़ के गुरु के घर पे रहने जाते थे ठीक है वेन दे लीव देयर ओन होम एंड टीचर्स के जो घर पे वो जानते थे रहने तो उसको उस से वहां पर भी उनकी सेरेमनी होती थी तो उसको बोलते थे उपनयन संस्कार ठीक है उपनयन सेरेमनी इनिशिएशन सेरेमनी आई होप दिस इज क्लियर तो ये बेसिकली ज्यादातर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सभी कास्ट के स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई करने जाया करते थे ठीक है हाँ देन नेक्स्ट इज अब हम बात करते हैं कि जो बुद्धि सिस्टम है हम यू इधर और इधर कंपेयर कर रहे हैं जो पौराणिक है यहाँ पे बुद्धिस्ट एजुकेशन uh, करवाई जाती थी तो यहां बच्चे कब स्टार्ट करते थे आठ साल की उम्र में की एज में और इस सेरेमनी का नाम होता है स्पेलिंग अलग अलग लिखी जाती है तो आप समझ जाइएगा पेपर में कभी पाबजा लिखा जाता है कभी प्रबजाया इससे रिलेटेड स्पेलिंग हो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बुद्धिस्ट में एट ईयर्स की एज uh, में बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे और इस सेरेमनी को प्रभराज ठीक uh, है तो ये इन सभी नामों से जाना जाता है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ओके चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट तो अब हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं अपना वैदिक एजुकेशन फिर पुराने के एजुकेशन पे आ जाएंगे ठीक है वैदिक एजुकेशन वेदों की स्टडी 2000 से 1000 हजार बिफोर क्रिस्ट बीसी तक चली तो यहां पे बच्चों को ब्रह्मचार्य का पालन कराया जाता था ठीक है तो इसको सेलिबेसी कहते हैं इंग्लिश में ठीक है तो ब्रह्मचार्य का पालन करना सेलिबेसी कौनसी वाली एज में ये स्टार्ट करते थे पांच साल की उम्र में और इनके दो सारे वाली भी मैंने बताई कौन कौन सी विद्या आरंभ और ये स्टार्टिंग में और उसके बाद उनका उपनयन संस्कार उपनायन संस्कार ठीक है इज दिस क्लियर जी वेरी गुड तो यहाँ पे फोर वेदों की स्टडी कराई जाती थी यस स्टडी ऑफ फोर वेदास ओके okay, एक सेकेंड ये सब कंसेप्ट सारे के सारे ए टू जेड मेरी कंसेप्ट बुक में भी आपके पास गिवन है जिनके पास है उससे भी कवर अप कर सकते हैं तो आ, ये हो गया आपका हाँ तो फ्रेंड्स एक और स्टडी है यहाँ पर यजो पवितम भी कहते हैं ठीक है फॉर्मल एजुकेशन के अंदर यजो पवितम का मतलब है कि एक जनेहू टाइप उनको पहनाया जाता था तो उसी को अपनायन संस्कार भी कहा जाता है ठीक है अच्छा हाँ यहाँ पर और भी चीजें थी वो क्या थी अल्म सिस्टम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्म सिस्टम कि ये लोग खुद बच्चे जो थे वो भिक्षा मांगते थे और वहां से जो खाना है वो सब खुद भी ग्रहण करते थे अपने गुरु को भी देते थे तो इसको कहते हैं सैलीबेसी का मतलब का पालन यस तो देर आर फोर वेद हाँ वो बात एक अलग है मैं अभी यहाँ पर जो स्टार्टिंग कर रही हूँ वेदों की बात अभी नहीं कर रही हाँ जी अब जो बच्चे उपनयन संस्कार के बाद पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो देर uh, आर तो को कहा जाता था वासु देन जो थर्टी सिक्स यानी कि ट्वेंटी फोर टू थर्टी सिक्स इयर्स तक की एज तक पढ़ाई करते थे तो इनको बोला जाता था रुद्र ठीक है एंड जो 36 से 48 ठीक है जी तक पढ़ाई करते थे इनको बोला जाता है आदित्य इज दिस क्लियर इनको आदित्य कहा जाता था तो ये है स्टूडेंट्स के नाम लाइक अभी हमको क्या हम आपको गए थे कि यू आर लर्नर्स तो इस तरीके से उनको वासुरुद्र और आदित्य की उपाधि दी जाती थी और फ्रेंड्स जब हम स्टडी कर रहे हैं तो uh, कैसे-कैसे स्टेजेस आती है किसी भी ह्यूमन की तो आती है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि आप उस समय तक मैरिज नहीं करोगे उसके बाद कर सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो एज आती है वो है ब्रह्मचर्य की एज ब्रह्मचर्य के बाद मतलब तब आप स्टूडेंट का पालन पालन कर रहे हो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्रह्मचर्य हमेशा ही ब्रह्मचारी रहते हैं कुछ लोग कुछ समय ब्रह्मचर्य के बाद किस जीवन में आ जाते हैं ग्रस्त जीवन में आ जाते हैं ठीक है देन दे मैरी देन फिर वनस्पत वन चले जाते हैं एंड फिर लास्ट में क्या आता है सन्यास सन्यास ले लेते हैं ठीक है तो ये पूरा चलता है हाँ, ब्रह्मचर्य में सिलेबस ही वेरी गुड तो यहाँ पर एक मेन जो कंसेप्ट था वो था गुरुकुल गुरु के घर जाके पढ़ाई करना ठीक है इस टाइप का था उस समय अलग अलग तरीके की स्टडी कराई जाती थी और बेसिकली जो मैथड यूज किया जाता था वो था हीरोज आ, की, आ, स्टोरी की, की स्टोरी सुनाना ठीक है जैसे कि कृष्ण की स्टोरी या अलग अलग हीरोज वगैरह की स्टोरी सुनाना तो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग मेथड था डिक्टेशन मेथड भी था ठीक है और समझाया जाता था डीप अंडरस्टैंडिंग दी जाती थी नॉलेज दी जाती थी आर की तीर कमाण की नॉलेज ये सब चीजें भी सिखाई जाती थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें सिखाई जाती और मैथड से सिखाया जाता था बिल्कुल सो so, फ्रेंड्स अब आप बात कर रहे थे वेदों की ठीक है ये वैदिक एजुकेशन थी अब अगर वेदों के बारे में थोड़ा सा जानना है तो जो वेदास है वो बेसिकली आपके फोर टाइप के हैं ठीक है थेके? एक है ऋग्वेद ऋग्वेद में हाइमंस दिए गए हैं हाइमंस का मतलब है मंत्र ठीक है हाइमंस का मतलब है मंत्र समझाना उसके अलावा और कौन सी है अच्छा ठीक है देन देर इज आई थिंक देर इज यजुर्वेद फर्स्ट यजुर्वेद में यज्ञ हाँ, यज्ञ कैसे करे वो चीज सिखाई जाती थी ठीक है यज्ञ देन उसके बाद आता है सामवेद एंड देन तो फ्रेंड्स सामवेद में म्यूजिकल अः या धुन इन सब के द्वारा समझाना सिखाना ये सब यजुर्वेद भी फ्रेंड्स दो तरीके के हैं कौन कौन से कृष्ण जिसको ब्लैक यजुर्वेद भी कहते हैं और दूसरा कौन सा है व्हाइट यजुर्वेद ठीक है श्वेत व्हाइट श्वेत यजुर्वेद तो इस तरीके से शुक्ल शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कहते हैं ना इस तरीके से हाँ जी अथर्वेद अथर्वेद के अंदर क्या कराया जाता है बेसिकली uh, uh, तंत्र एंड ऑल्सो मैजिकल चैंड तंत्र कोई बोलते हैं ठीक है मैजिकल चैंट के द्वारा इविल को भगाना ठीक है बुराई को भगाने की कोशिश करना और मेडिसिन जड़ी बूटियां इन सब का मेनली आविष्कार हुआ है ठीक है तो ये सब चीजें हैं आपके वेदों में चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं फिर ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने वेदों से समझ लिया है अब हम आ जाते हैं अपने पौराणिक एजुकेशन की तरफ कभी आप कहेंगे तो मैं फुल क्लास पूरा वैदिक एजुकेशन पे डिटेल में ले लूँगी अभी हम पौराणिक पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले एजुकेशन से रिलेटेड तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट तक्षशिला तक्षशिला इज फेमस फॉर एनिमल जो तक्षशिला है वो आपकी आई टू था वन थाउजेंड बीसी से फाइव हंड्रेड एडी तक ठीक है वन थाउजेंड बीसी से फाइव हंड्रेड एडी तक रही एंशियन तक शिला और ये बेसिकली आपकी जो नदी है क्वेश्चन ये पूछ लेते ना कौन कौन सी रिवर से बिलोंग करते इंडस वैली इंदस नदी Uh, यहाँ से गुजरती है और ये बेसिकली हिंदुज्म बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया करते थे और अभी इस वक्त ये पाकिस्तान में है सो फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स आए हैं और जिन्होंने बताया कि येस इट इज देयर ठीक है तो इसके बारे में जिक्र जकाता टेल्स में भी गिवन है जकाता टेल्स मतलब uh, टेल्स का मतलब स्टोरीज जो लिखी गई थी श्रीलंका में तो उसके अंदर भी तकसीला के बारे में जिक्र किया गया है वांग आ, किंग, इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि यस तकसी में बहुत ही अच्छी स्टडी करवाई जाती थी ठीक है हाँ जी यहाँ बच्चे 16 साल की उम्र में पढ़ाई करना चालू करते थे ठीक है 16 इयर्स की एज में ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते थे और इधर कैसे कैसे चीजें सिखाई जाती थी तीर कमांड कैसे चलाएं, हंटिंग कैसे करें एलिफेंट लॉर, और एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट जो तो तकसीला जिसके लिए फेमस है वो क्या है बताइए मेडिसिन ठीक है तो मेडिकल साइंस के लिए भी तकसीला फेमस है हाँ भाई तुम्हारे कमेंट का है अच्छा अभी दिखाई दिए मेरे, मेरे कमेंट ही रुक गए थे सारे मेडिसिन के लिए तकसीला फेमस है यस yes. ओके okay. तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम जुड़ता है तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस आती रहती है चाणक्य नीति है ना तो चाणक्य जी से एसोसिएटेड है तक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाणक्य जी के द्वारा यहाँ पर कंपोज किया गया है यस yes, चाण चाणक्य कौतल्य मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त आयुर्वेदिक चाणक्य इन सभी ने तकसी में पढ़ाई की है सोलह साल की उम्र में यहाँ पर स्टडी स्टार्ट हो जाती थी ओके okay, तो टीचर का रोल बहुत ही प्रोमिनेंट था टीचर डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट कौन सा आने चाहिए उनके बीच में डिबेट करवाना डिस्कशंस करवाना ये सब मेथड्स यहाँ पे अपनाए जाते थे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आता है वो है यूनेस्को की हेरिटेज जो लिस्ट है उसके अंदर नाइनटीन में तकसीला को दर्ज किया गया ठीक है एलेक्सेंडर कनिंगम ने इसके का मतलब क्या होता है खंडर खंडर खोजे थे ठीक है तकसी के खंडर खोजे थे टीचर खुद ही अपना यहाँ पर सिलेबस वगैरह डिसाइड करते थे ठीक है तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया येस और नो वेरी गुड नाउ वी कम टू वर्ड नेक्स्ट वन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज नालंदा ठीक है तो जान, जो नालंदा है ये बेसिकली टाइम पीरियड कौन सा रहा है 425 ट्वेंटी फाइव एडी टू ट्वेल्व हंड्रेड बी एडी के आसपास तक ठीक है जब बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था ठीक है तो फिफ्थ सेंचुरी इसका जो टाइम पीरियड है वो रहा है देखो जी जो नंबर यहाँ लिखा होता है सेंचुरी उसे नालंदा है, तो है नालंदा इज इन बिहार ये बुद्धि के लिए डिवोटेड था इसमें महायान महायान के बारे में मेनली पढ़ाया जाता था ठीक है एंड ग्रेट व्हीकल कहते हैं उसको बेसिकली श्रीलंका कोरिया जापान चाइना तिब्बत इंडोनेशिया परसिया तर्की ठीक है यहाँ से और और भी बहुत अलग अलग जगह से नालंदा में स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे आर्ट ऑफ वार एस्ट्रोनॉमी ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती थी महायान के लिए फेमस था वेदों की नॉलेज लॉजिक संस्कृत मेडिसिन सांख्य तो ये यह सब यहाँ पढ़ा जाता था इधर के जो मेजर मे, आ, सेंट रहे हैं संत रहे हैं उनका नाम है नरोपा इनका अलग से प्रॉपर सेल सेल था सेल का मतलब एक तरीके से गुफा टाइप है वो जहां पर ये तपस्या किया करते थे आ, ध्यान लगाया करते थे तो इनको महासिद्ध की उपाधि भी मिली हुई है ठीक है नरोपा को नोपा जी को फिर बाद में जब तर्किश मुस्लिम आए तो उन्होंने बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया ठीक है नालंदा में मेन खासियत क्या थी कि यहाँ पे नाइन फ्लोर लाइब्रेरी ठीक है अब इस लाइब्रेरी का नाम किसी को याद है नालंदा की लाइब्रेरी का नाम हाँ जी राजगी ठीक है so, सो धर्मगंज सॉरी हाँ ठीक है सो नाइन फ्लोर लाइब्रेरी थी धर्मगंज और एक ही दिन में यहाँ पर बहुत सारे डिस्कोर्सेस कराए जाते थे दिए जाते थे और आ, हजारों के तादाद में यहाँ पर बच्चे रह भी सकते टेन थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डॉर्मिटोरीज थी डॉर्मिटोरीज का मीनिंग क्या होता है डॉमेटोरी hmm. राजगीर तो भी ये जगह का नाम है जहा पे नालंदा भी है ना वो डॉर्मिटोरीज का मतलब है हॉस्टल्स इतने सारे बच्चों के रहने की व्यवस्था थी वहाँ पर जब ये लाइब्रेरी नाइन स्टोर लाइब्रेरी को जलाया गया तो इसको जलने में तीन महीने लग गए तीन महीने तक जली है नालंदा की लाइब्रेरीज़ ठीक है तो ये हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट नालंदा अब यूनेस्को की लिस्ट में कब आया तो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर एक टेंटेटिव लिस्ट निकली थी कि आ सकता है 2009 में और प्रॉपरली uh, आ गया ठीक है गॉट इंक्लूडेड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन ठीक है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल तो नालंदा में भी चाइनीज कॉलर आए किंग एंड वांग ज़ांग कब आए आए थे थे क्वेश्चन आता है ये सेंचुरी में इनका टाइम टेबल आ, इनका टाइम पीरियड लगभग सिक्स ट्वेंटी फोर थ्री थर्टी सॉरी सिक्स ट्वेंटी फोर सिक्स थर्टी सेवन एट ऐसा आ, ये टाइम पीरियड रहा था इनका ठीक है 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 के आसपास तो इसलिए ये सेंचुरी सेंचुरी कहलाता की की लाइन में ना वांग ज़ेंग ने खुद नालंदा में पढ़ाई की है। और योग शास्त्र सीखा है। शीला भद्राजी उनसे योगा सीखा है ठीक है यहाँ पे आर्ट मेडिसिन मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ वॉर वेलफेयर ये सब को सिखाया गया था ठीक है शीला भद्रा जी से वेरी गुड यहाँ एग्जामिनेशन एंट्रेंस कैसे होता था स्टूडेंट का सिलेक्शन एंट्रेंस बेसिस पे होता था डिस्कशंस होता था ठीक है और जितने भी यहाँ पर टीचर्स बैठे होते हैं तो जब तक सभी की सहमति ना हो कोई भी डिसीजन पास नहीं होता था बहुत अच्छे रूल्स मेंटेन थे और एक दूसरे की सलाह से ही चलते थे ये सब चीजें किसी के ऊपर को कोई चीज जबरदस्ती थोपी नहीं जाती थी ठीक है फिर टाइम टू टाइम नालंदा की जो पॉपुलैरिटी uh, है वो इतनी बढ़ती गई तो आसपास के जो राजा हैं महाराजाज हैं और भी इस तरह के लोग उन लोगों ने नालंदा को प्रॉपर्टीज दान करनी चालू कर दी तो यहाँ से इनके पास आता था फाइनेंस ठीक है और फिर थोड़े दूर दूर के एरिया जहाँ के बच्चे खुद इतनी दूर नहीं चल के आ सकते तो वहाँ पे छोटे छोटे अग्रहराज घाटिक घाट के पास पढ़ाना ठीक है तो इस तरीके से मठ भी बनाए गए जहाँ पे नॉलेज दी जाती थी ठीक है टेम्पल्स के पास मठ के पास जैन बसादीज के पास बुद्धिस वहराज बनाए गए तो वहां पर भी फिर आगे फैला नालंदा के स्टडी उधर भी पढ़ाया गया पर उसके बाद फ्रेंड्स नालंदा आ, के जो रूंस है खंडर बन गए ना क्योंकि बारह तीन पांच के आसपास जला दिया गया था तो तब अब फिर आजादी के बाद टू थाउजेंड सिक्स में नालंदा को अगेन रिवाइव करने का काम चला काम चला भी ठीक है रिवाइव हुई नहीं प्रॉपर काम चला और यहाँ पर जो पढ़ाई अब कराई जाती है वो पाली बुद्धिज्म में कराई जाती है और यहाँ पे एक स्पेशल एक्ट पास हुआ इंडियन पार्लियामेंट का ट्वेंटी फिफ्थ नवम्बर टू में कि इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में डाल दिया जाए नालंदा को नालंदा आ, को जो मनी है ना फाइनेंस है दोबारा से रिवाइव होने के लिए सिर्फ इंडिया नहीं अदर कंट्रीज से भी मिली है ठीक है तो यहाँ पर ईस्ट एशिया समित हुआ था जहाँ पर मेंबर स्टेट्स टोटल सत्रह कंट्रीज ने साइन किया इंटर गवर्नमेंटल सेवनटीन कंट्रीज ने साथ दिया रिवाइव करने के लिए ठीक है इंटर गवर्नमेंटल मेमोरेंडम पास हुआ और जिसकी वजह से नालंदा अपनी एग्जिस्टेंस में अभी आई भी है ठीक है यूनिवर्सिटी ने फिर अब 455 एकड़ जगह खरीदी कैंपस के लिए और जो यूनिवर्सिटी है इसको 2727 करोड़ ग्रांट मिले ठीक है ताकि रिवाइव किया जा सके और बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट से और आसपास के पड़ोसी देशों से भी उसमें इंक्लूड है चाइना ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर थाईलैंड एंड अदर कंट्रीज सो so, इतनी मेहनत के बाद अब इसका जो पहला बैच है वो 2014 में स्टार्ट हुआ ठीक है नालंदा का फर्स्ट बैच 2014 में सितंबर में स्टार्ट हुआ हिस्टोरिक डेवलपमेंट के बाद तो दिस इज हाउ नालंदा यू uh, नो you know, प्रॉस्पर इवन नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस इज दिस क्लियर आ गया समझ अच्छे से ये पॉइंट ओके okay. और मजे की बात ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली ठीक है इसके अंदर कहा गया है कि एम को डिसकंटिन्यू किया जाएगा और ओनली पीएचडी चलाई जाएगी तो नालंदा में एक्चुअली अभी अभी रिवाइव हुई है ना 2014 में तो पीएचडी था ही नहीं तो 2021 में जो नालंदा के वाइस चांसलर है सो सुनैना सिंह उन्होंने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी अब पीएचडी प्रोग्राम्स भी चलाएगी सीधा एम uh, के एम uh, का उनमें उन्होंने कभी स्टार्ट किया ही नहीं तो अब सीधा थ्री टू फोर इयर्स का पीएचडी प्रोग्राम्स ही चलाया जाएगा तो वहाँ पे हम पीएचडी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं ठीक है चलिए वेरी गुड तो यहाँ तक नालंदा अच्छे से आपको कवर हो गया अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर वो है विक्रमशिला विक्रमशिला 882 हंड्रेड एडी टू ट्वेल्व हंड्रेड थ्री एडी तक रही सो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ये रहा है पाला धम एम्पायर का ठीक है नालंदा के साथ साथ ये भी काफी अच्छी रही किंग धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला स्टैब्लिश की गई थी और फ्रेंड्स उसके बाद बख्तियार खिलजी ने हाँ इसको डिस्ट्रॉय कर ही दिया था मोहम्मद बिन बख्तियार धर्मपाल ने स्टेब्लिश किया था विक्रमशिला को गंगा के किनारे नालंदा की जो रिवर है वो सरस्वती है ठीक है सरस्वती रिवर अब विक्रमशिला का रिवर कौन सा है गंगा रिवर सो so, विक्रमशिला बेसिकली सोर्स के लिए जानी जाती है ठीक है तिब्बतियन सोर्स के लिए जाने जाते हैं कि तिब्बतियन के लिए मेनली एक जड़ बनी वहाँ से ज़्यादा ज़्यादा तिब्बतियन को अट्रैक्ट किया गया स्पेशली राइटिंग ऑफ तारंथ तारंथ यहाँ पर लिखा गया है ठीक है तारंथ लिखा गया है और ये लार्ज वन ऑफ लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज थी जो कि बुद्धिस्ट पढ़ा रही थी और विक्रमशिला में बेसिकली व्रजायन तंत्रायन पढ़ाया जाता था ग्रामर फिलॉसफी मैथाफिजिक्स इंडियन लॉजिक ये सब भी पढ़ाया जाता था और ये भी आपकी कौन सी जगह पे है बिहार भागलपुर बिहार में है सो so, तांत्रिक बुद्धिज्म भी पढ़ाया जाता था तांत्रिक व्रजायन जहां तांत्रिक आएगा वहां व्रजायन भी आएगा ठीक है व्रजायन यस yes. सो so, ये यूनिवर्सिटी काफी फेमस थी इसके अंदर 108 स्कॉलर्स थे जिनको एज अ आचार्य यहाँ पर अपॉइंट किया गया था ठीक है अलग अलग टेम्पल्स में भी आचार्य के जो अलग अलग टेम्पल्स के आचार्य थे उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था जी सो so, इनकी एक खासियत ये भी रही है कि ये बेसिकली तिब्बितियन सोर्स के लिए जाने जाते हैं ठीक है वो हो गया हमारा अच्छा अब आगे आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दैट इज वल्ल नालंदा के एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया था ना एक बार मैं बस वो चेक कर लू आई थिंक यस हाँ ये वाली भी खासियत रही है कि विक्रमशिला के जो एडमिनिस्टर्स थे उन्होंने ना, ना, कुछ समय के लिए नालंदा के एडमिनिस्ट्रेशन भी किया था ठीक है जी नाउ नेक्स्ट इज वल्लभी वल्लभी सिक्स हंड्रेड एडी इनका का वही है लगभग ठीक so, है सो ये सौराष्ट्र कहा है सौराष्ट्र गुजरात ठीक है सो गुजरात में पाई जाती है वेस्टर्न इंडिया में एंड बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए फेमस थी और यहां मेनलीन पढ़ाया जाता था ठीक है हिनायन को स्मॉल व्हीकल कहते हैं महायन को ग्रेट व्हीकल कहते हैं राजन को गोल्डन व्हीकल कहते हैं ठीक है सो so, हिनायन बुद्धिज्म और नालंदा इसकी बेसिकली राइवल यानी कॉम्पिटिटर बन चुकी थी इतना अच्छे से वल्लभी भी काम कर रही थी बढ़ रही थी आगे ठीक है तो बुद्धिस्ट ऑक्ट्राइन ब्राह्मिकल साइंस भी पढ़ा जाता था सबसे so, इंपॉर्टेंटली यहां आ जाता है नीति नीति का मीनिंग क्या है नीति का मतलब है पॉलिटिकल साइंस ठीक है स्टेटमैनशिप वार्ता वार्ता का मतलब है बिजनेस कैसे करें एग्रीकल्चर कैसे करें एडमिनिस्ट्रेशन दियोलॉजी भगवान की गॉड स्टडी ऑफ गॉड ठीक है दियोलॉजी लॉ इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी ये सब यहाँ पे सिखाया जाता था वल्लभी में आई होप दिस इज क्लियर ठीक है नेक्स्ट इज उदांतापुरी तो फ्रेंड्स औदांतापुरी किंग ऑफ पाल के द्वारा मगध में बनाई गई एंड उदानतापुरी को उतना ज़्यादा फेमस फेम वगैरह नहीं मिला जितना एज कम्पेयर टू नालंदा विक्रमशिला वल्लभी इन सबको मिला ठीक है लेकिन फिर भी इन्होंने तिब्बत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट किया और लगभग माना जाता है यहाँ पर वन थाउजेंड मोंग एंड स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे एक हज़ार मोंग एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर थे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस जग हाँ जी जगडाला भी गंगा के किनारे है so, सो राजा राम पाल बंगाल के इनके द्वारा सेटअप की गई थी सो so, इसका जो नाम था पहले रणवती था फिर जगडाला बना और बेसिकली यहाँ पर अगेन 1203 में मुस्लिम रूलर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इसको जब उस जो कि उस टाइम पे राज करने आ गए थे एंड इनकी जो रेपुटेशन है इन्होंने क्या किया बुक्स को तिबतीन लैंग्वेज में भी काफी ट्रांसलेट किया तो ये इनका मेन काम था इलेवेंथ सेंचुरी की बिगनिंग तक इनका जो नाम था पहले रणवती था देन नेक्स्ट इज मिथिला मिथिला राजा जनक जी के नाम से जाना जाता है सीता जी के नाम से सो फ्रेंड्स उपनिषदिक एज से ही उपनिषदिक काल से ही मिथिला काफी प्रोमिनेंट रही है ठीक है ब्राह्मणिकल सिस्टम आ, के लिए जाना जाता है और इनका जो नाम था इट वॉज नेम्ड एज विदेह मिथिला का नाम विदेह के नाम से भी जाना जाता है राजा जनक जी भी यहाँ पर क्या करते थे कॉन्फ्रेंसिस किया करते थे लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी भी लेटर यहाँ पर हुए हैं जयदेव विद्यापति की जो पोएम्स है वो इधर बहुत ज्यादा अभी भी लिटरेचर देखी जा सकती है समझी जा सकती है सबसे मेनली मिथिला न्यू लॉजिक के लिए जाने जाती है ठीक है इसका मतलब नव्य न्याय न्यूलॉजिक नव विय और तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र का मतलब क्या है लॉजिक ही है ठीक है लॉजिक को हिंदी में तर्कशास्त्र कहते हैं इधर सालक परीक्षा होती थी मतलब सालाना परीक्षा मीन्स एवरी ईयर एनुअल एग्जाम हुआ करते थे ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है परीक्षा कि इधर ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाती थी ठीक है ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाती थी दीज आर मेनी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और ज्ञानेशा उपाध्याय जी ने ये स्कूल निकाला था किसने गणेश उपाध्याय ठीक है गणेश उपाध्याय जी ने ये स्कूल यहाँ पर डेवलप किया था मिथिला का आई होप दिस इज क्लियर अच्छा देन वन विल बी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी अबाउट विच वी विल बी टॉकिंग हां जी दैट इज न एक्चुअली नदिया भी बोलते हैं कुछ लोग ना नदियां सारा बहुत जला गया लाइट क्योंकि अलग अलग नदियों के पास बेसिकली पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती थी ठीक है तो इसके बारे में भी मैं समझाती आपको कि नदियां फॉर्मली नावादीप भी कहा जाता है इट्स सिचुएटेड नियर गंगा के किनारे अलंगी रिवर ठीक है जालंगी रिवर भी यहाँ पर थे ये कर्टन कर दे भाई सो so, बेसिकली ये मेनली ट्रेड एंड कॉमर्स ठीक है जाती नडिया इज मेनली इम्पोर्टेंट फॉर एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ाया जाता था कल्चर वगैरह पढ़ाया जाता था को काफी पॉपुलैरिटी uh, भी मिली है इंपॉर्टेंट एजुकेशन के केस में यहां व्याकरण पॉलिटिक्स लॉ भी पढ़ा जाता था ठीक है जी व्याकरण पॉलिटिक्स एंड लॉ भी पढ़ा जाता था सो बेसिकली रघुनाथ शिरोमणि जी को लॉजिक की uh, लिए श्रेय जाता है क्योंकि रघुनाथ शिरोमणि जी इंडियन फिलोसफर और ग्रेट लॉजिशियन रहे हैं ठीक है लॉजिशियन रहे हैं और वो नवादीप में ही बोर्न हुए थे नडिया में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में ही बोर्न हुए थे फ्रेंड्स नवादीप बेसिकली थ्री सेंटर थे यहाँ पर नड़िया में एक हो गया नवाद्वीप नव मतलब नया द्वीप मतलब Uh, नदियों के पास ठीक so, हाँ, है सो शांति हाँ टापू होता ठीक है शांतिपुर एंड गोपालपुर तो ये बेसिकली थ्री सेंटर्स थे नदिया नडिया में ठीक है इज दिस क्लियर तो ये भी माना जाता है कि लगभग यहाँ पर बच्चे 20 साल की उम्र तक पढ़ते थे स्टक हो गया वीडियो स्टक हो गया कब से स्टक है भाई तो गुण गुण। भाई यहाँ पे हिलाने से वीडियो स्टक हो गए अब नहीं आएगा वो रोक जब आप दोबारा करना पड़ेगा नहीं आएगा मेरे को दूसरे तरीके के लेंस लेने दे वो नहीं वो हो जाता है दो अब लवली बस कर दूसरा वाइट दूसरा सीनियर वाला सीन स्टक हो चुका है सो so फ्रेंड्स अभी ये दिख रहा है मेरा स्लाइड ठीक है तो ये अगली स्लाइड से बता देती हूँ आपको तो so बेसिकली यहाँ पर नदियां बेसिकली यहाँ पर थ्री टाइप के सेंटर्स थे नवाद्वीप शांतिपुर में चला गया वो ये खाना जरा कैसा दिख रहा है अच्छा हाँ हाँ कुछ अटक रहा है ओके तो ये दिख रहा है ना बस थोड़ा सा रह गया नदिया की लास्ट था मेरा ठीक है तो यहाँ से पढ़ा देती हूँ मैं आपको हाँ जी तो ये है नवाद्वीप शांतिपुर गोपालपुर ठीक है तो यहाँ पर बच्चे 20 20 साल के लिए भी पढ़ते थे तो यहाँ मेनली थ्री टाइप ऑफ सेंटर थे के आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन स्कूल ऑफ लॉजिक रघुनाथ जी की एग्जिस्टेंस को श्रेय जाता है पूरा क्योंकि ये लॉजिक के लिए मेनली जाने जाते थे तो so यहाँ से हमारा प्रॉपर कवर हो जाता है ठीक है सो एंशियंट हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ से सो so इसी तरीके से सेशन को देखते रहिए डियर फ्रेंड्स एंड अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप मेरी जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी जरूर से लीजिए और पूरे पूरा सॉल्व कीजिए दैट विल हेल्प यू अ लॉट एंड उसके अलावा अगर आपको बुक चाहिए तो मैंने एक तो बताया था आपको स्टार्टिंग में हाँ तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं ही विल गाइड यू टू फॉर बुक बुक बाकी की मेनली अवेलेबल नहीं है आप ठीक है एंड कॉमर्स की बुक को भी आपको एमेजोन से फास्ट में मिल जाएगी एंड क्वेश्चन बैंक भी तो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी ठीक है तो अभी हमारी जो 11 बजे क्लास है अन अकेडमी पे तो इसको जरूर से लीजिएगा ये सारी की सारी क्लासेस अभी फ्री क्लासेस है डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं फ्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिए अपने आप को प्रूव करके दिखाना है ड्रीम बिलीव एक्ट एनर्जी है मिलते हैं जल्दी